नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट एनकाउंटर की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, नाम बड़े लेकिन दर्शन छोटे, और आईपीएल जैसी चीजों में ये कहावत जो है बिल्कुल फिट बैठती है। क्योंकि गाइस आईपीएल के ऑक्शन में जो है टीमें बड़ी बड़ी बोलियां लगाती है, प्लेयर्स पर जो है बहुत ज़्यादा भरोसा जताती है और 10 करोड़ 15 करोड़ जैसी रकमों में जो है प्लेयर्स को बाय करती है। लेकिन आईपीएल के परफॉर्मेंस में अगर हम बात करें तो बहुत ही फ्लॉप परफॉर्मेंस रहता है। और आईपीएल 2024 में भी ऐसे 5 बड़े प्लेयर्स हैं जो कि अपनी टीमों की तरफ से रिलीज होने वाले हैं। 5 बड़े और 5 शॉकिंग नाम है जो कि आप भी सुनकर हैरान होने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आईपीएल 2024 का इंतजार कर रहे हो, पूरा डोज आपको जो है इस चैनल पर धीरे धीरे मिलता रहेगा। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम जो कि कंफर्म्ड हो चुका है वो है चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का। जी हां दोस्तों, 16.25 करोड़ चेन्नई की टीम ने जो है इन पे लगाए थे और चेन्नई की टीम का मानना था कि अब फ्यूचर में जो है बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन आईपीएल 2024 से जस्ट पहले बेन स्टोक्स ने, मतलब अभी एक हफ्ते पहले, कंफर्म्ड कर दिया गया है कि अब वो ओडीआई के वर्कलोड के मैनेजमेंट के वजह से जो है आईपीएल 2024 को जो है टाटा बाय बाय कहने वाले हैं। और अब जो है 16.25 करोड़ में चेन्नई की टीम रिलीज भी करने वाली, क्योंकि कोई जरूरत भी नहीं है। चेन्नई के पास जो है बहुत बड़ा महान कप्तान है तो बेन स्टोक्स जैसे प्लेयर टिकते भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब जो है चेन्नई की टीम इनको रिलीज करने वाली है और ये कंफर्म्ड हो चुका है कि बेन स्टोक्स आपको जो है आईपीएल में नहीं दिखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्लेयर जो कि मतलब नहीं खेलने वाला है वो है बेन स्टोक्स। दोस्तों दूसरा नाम जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुका है वो है हैरी ब्रूक का। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे और एसआरएच की टीम ने बहुत बड़ा भरोसा जताया था इन पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था। आईपीएल 2023 में भी आपने देखा होगा निकोलस पूरन जैसे प्लेयर्स पर जो है इन्होंने रिस्क लिया था, लेकिन वो भी फ्लॉप चले गए थे। और इस साल आपने देखा होगा 13.25 करोड़ जो है पानी जैसे निकल चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ 163 रन्स बनाए थे इन्होंने, अपने प्राइस टैग को जो है बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, आउट ऑफ फॉर्म भी थे। लेकिन गाइस आईपीएल से जस्ट पहले जो है इंटरनेशनल में काफी अच्छा परफॉर्म कर आ रहे थे, पीएसएल जैसी लीगों में जो है इन्होंने मतलब शतक पे शतक लगाया था। तो मेरे हिसाब से अब एसआरएच की टीम जो है हैरी ब्रूक को भी रिलीज करने वाली है, क्योंकि अगले साल के ऑक्शन में काफी अच्छे प्लेयर्स आने वाले। तीसरा नाम जो कि निकल कर आ रहा है वो है मुंबई इंडियंस की टीम के पेसर जोफ्रा आर्चर का। अब जोफ्रा आर्चर भी बहुत बड़े प्लेयर है, लेकिन आईपीएल में जो है इनके भी दर्शन छोटे हो चुके हैं पिछले 2-3 सालों से। क्योंकि गाइज आपने देखा होगा इस साल जो है जोफ्रा आर्चर मतलब पूरी तरह फिट नजर आ रहे थे आईपीएल से पहले, और मुंबई इंडियंस के फैन भी जो है काफी ज्यादा खुश हो गए थे जोफ्रा आर्चर को लेकर। लेकिन गाइज उनकी इंजरी जो है बहुत ज्यादा भयानक थी और आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ 4 मैच खेल पाए थे, 2 विकेट लिए थे। इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा था इनका, 11.25 का था, और मेरे हिसाब से 8 करोड़ रुपए की रकम बहुत ज्यादा होती है। मुंबई इंडियंस की टीम चाहेगी कि कोई अच्छे गेंदबाज के ऊपर जो इन्वेस्ट किया जाए। और अगले साल वैसे भी जसप्रीत बुमराह की वापसी होने वाली, आकाश मढ़वाल भी है, जेसन भेरेंडॉर्फ भी है, तो एमआई की टीम को भी अब कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो एमआई की टीम जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको साइन कर रही है मतलब आगे आने वाले साल के लिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है गाइस, आपको क्या लगता है बता सकते हो। दोस्तों चौथा नाम जो कि कंफर्म्ड लिस्ट में निकल कर आ रहा है वो है लॉकी फर्ग्यूसन का। केकेआर की टीम को आईपीएल 2023 से पहले जो है बहुत ही तगड़े पेसर की जरूरत थी और गुजरात टाइटंस की टीम से जो है मतलब ट्रेडिंग विंडो के जरिए 10 करोड़ रुपए की डील में जो है केकेआर की टीम ने ट्रेडिंग के जरिए अपनी टीम में शामिल किया था लॉकी फर्ग्यूसन को। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें ना गाइस, तो मात्र 1 मैच खेला था, 1 भी विकेट नहीं लिया था, 10.11 का इकोनॉमी था, और पता नहीं गाइस क्या हुआ था, पूरे टूर्नामेंट पर जो है बेंच पर बैठे हुए थे। तो मेरे हिसाब से अब इस परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि केकेआर की टीम भी इनको रिलीज करने वाली है और लॉकी फर्ग्यूसन भी रिलीज होने वाले हैं। और नंबर 5 पर जो नाम निकल कर आ रहा है वो है भाई दिनेश कार्तिक का। जी हाँ दोस्तों, दिनेश कार्तिक भी रिलीज होने वाले हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में जो है बहुत अहम भूमिका निभाई थी 2022 के आईपीएल में, लेकिन अगर 2023 के आईपीएल की बात करें तो इनका भी फॉर्म जो है साथ नहीं दे पा रहा था, और एज फैक्टर भी आ चुका है, रजत पाटीदार की भी वापसी हो जाएगी, बहुत सारे रीजंस हैं। महिपाल लोमरोर भी बहुत शानदार विकेट कीपर है, अनुज रावत, और मेरे हिसाब से अब दिनेश कार्तिक की आरसीबी की टीम को जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फ्यूचर देखा जा रहा है आरसीबी की टीम में भी। तो आपको क्या लगता है गाइस, दिनेश कार्तिक क्या 1 साल और आईपीएल में खेल सकते हैं और आरसीबी की टीम जो इनको रिटेन कर सकती है? आप भी अपनी राय जो है फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो गाइस ये तो थे 5 बड़े नाम जो कि आईपीएल 2024 में जो है रिलीज होने वाले हैं, और
ऑक्शन में भी आकर जो है मतलब इनको बहुत बड़ा डाउट है बिकेंगे या फिर नहीं, आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं इसमें, कौन से नहीं हो सकते, आप भी अपनी राय जो है फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ठोक देना। बाय बाय।